हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुकिंग विद साक्षी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गोंद के लड्डू, जो कि हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। तो इस सर्दी मेरे इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोंद के लड्डू बनाना। अपने इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। गोंद के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने शुगर पाउडर लिया है, इसको मैंने घर पे ही पीसा है, ये 2 बाउल है। और ये आटा लिया है, तो 2 बाउल आटा भी है। तो जितना हम आटा लेंगे उतना ही हम शुगर पाउडर भी लेंगे। तो छोटे बाउल से 2 बाउल ये आटा है, ये सूखा नारियल है 1 बाउल, 1 बाउल काजू, 1 छोटे बाउल से कम थोड़ा पिस्ता, और ये सफ़ेद मिर्च है, उसके साथ 10-12 पीपली है। आप चाहें तो इन दोनों को स्किप कर सकते हैं, वैसे ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये घी लिया है मैंने लड्डू बनाने के लिए, ये सौंठ पाउडर है, इलायची लिया है 6 से 7, गोंद, किशमिश, बादाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लड्डू बनाना। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे, और घी गर्म हो चुका है तो गोंद पहले हम फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के हम इसको फ्राई करेंगे, एक साथ नहीं डालना है गोंद, ये चिपक जाते हैं एक साथ डालने से। देखिए फ्राई करने से ये फूलने लगते हैं, जब ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। ये सारे गोंद अच्छे से फूल गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे और ऐसे ही करके सारे गोंद हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा थोड़ा डाल के। चलाते हुए फ्राई करना है। देखिए सारे गोंद हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम सारे ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले बादाम डालेंगे और इसको 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए भूनना है। एक 1.5 मिनट हो गया, देखिए बादाम भी फ्राई हो गया है, अब इनको हम निकाल लेंगे और ऐसे ही करके सारे ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे काजू और पिस्ता, इनको 30 सेकेंड बस फ्राई करना है ऐसे चलाते हुए। सारे ड्राई फ्रूट फ्राई हो गए हैं और मैंने किशमिश नहीं फ्राई किया है, अगर आपको फ्राई करना है तो आप कर सकते हैं। ये जो मैंने गोंद लिया है इसको हम कटोरी की सहायता से ऐसे दबा दबा के पीसेंगे, इसको मिक्सर में नहीं पीसना है, हल्का सा ये पीस पीस में रहता है, उसके बाद कटोरी से दबा दबा के ऐसे पीसना है। तो फ्रेंड्स, इसी कढ़ाई में मैं आटा भूनूंगी, अगर आप चाहें तो कढ़ाई बदल सकते हैं, मैं उसी घी में इसको भूनूंगी और इसको हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। बराबर चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसे नीचे से जलने लगते हैं। फ्रेंड्स, उसी कढ़ाई में जिसमें हमने ड्राई फ्रूट फ्राई किया था उसमें ही घी में आटा भून रही हूँ, घी दोबारा नहीं डाला है मैंने, आप चाहें तो डाल के भून सकते हैं। और इसको बराबर चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हल्का ब्राउन होने तक भूनना है, आटे का कलर चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं चलाते हुए भूनूंगी। देखिए फ्रेंड्स, आटे का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है, और 5 से 6 मिनट का है अभी इसको भूनते हुए, अभी इसको थोड़ी देर और भूनना है। देखिए फ्रेंड्स, आटे का कलर एकदम चेंज हो गया है और इसको भूनने में मुझे 8 से 9 मिनट लगा है। अब इसमें मैं सोल्ट पाउडर ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको सोल्ट पाउडर ना पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं, वैसे ये जिनको न्यू बेबी हुआ है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे, आटा हमारा भून गया है। अब ये जो मैंने ड्राई फ्रूट फ्राई किए हैं इनको हम पीसेंगे दरदरा सा, और ये ठंडे हो चुके हैं पूरी तरह से, तो इनको मैं दरदरा सा पीस लूँगी
देखिए फ्रेंड्स, सारे ड्राई फ्रूट मैंने 10-10 पीस लिया है और ये गुल भी पीस लिया है। तो अब इनको हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। जो मैंने आपको सफ़ेद मिर्च और पीपल और इलायची दिखाया था वो भी मैंने ड्राई फ्रूट के साथ ही पीस लिया था। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। इसमें ये ऐड कर दूंगी इसमें मैं। और साथ ही शुगर भी ऐड कर दूंगी। अगर आपको मीठा कम लगे तो आप शुगर और ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, सारे ड्राई फ्रूट मैंने आटे में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और गोंद। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर घी कम लगे तो आप बढ़ा भी सकते हैं। घी हमें उतना ही डालना है जितने में लड्डू हमारा बन जाए। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी थोड़ा थोड़ा घी डाल के मैं। देखिए फ्रेंड्स, घी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये लड्डू जैसे बनने लगे हैं। जितना मैंने घी लिया था उसमें से ये बच भी गया है। तो अब इसका लड्डू मैं बना लूंगी। तो पहले हल्के हाथों से दबाते हुए लड्डू बनाएंगे। देखिए पहले हल्का सा दबाएंगे इसको। देखिए ऐसे ही करके हम सारा बनाएंगे लड्डू। तो लीजिए फ्रेंड्स, गोंद के लड्डू बनके रेडी हैं। फ्रेंड्स, आप इसे एक गिलास गर्म दूध के साथ डेली सुबह शाम एक एक लड्डू खाएंगे तो आपको एनर्जी फील होगा। तो आप मेरी इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करिएगा और लाइक और कमेंट भी करिएगा और साथ में शेयर भी करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।